दोस्तों, ये है एचपी की तरफ से आने वाला एचपी DA0447TX। यार कंपनी यार इतना बड़ा नाम क्यों रखते हो? तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको इसी लैपटॉप की फुल रिव्यू मिलने वाला है कि और दोस्तों, ये एक बजट लैपटॉप है, काफ़ी अच्छा खासा लैपटॉप है ये। और आप चाहे स्टूडेंट हो या फिर आप वीडियो एडिटिंग या फिर ऑफिस का और क्या करते हैं, आपके लिए ये लैपटॉप बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप वीडियो एडिट करते हैं उसके लिए इसमें आपको 2 GB तक का ग्राफिक्स कार्ड दिया हुआ है। और दोस्तों, ये एक बजट लैपटॉप है, इसमें हर तरह की सारी फीचर्स दिए हुए हैं जो कि एक लैपटॉप में होनी चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको इसी लैपटॉप के फुल रिव्यू और पूरी जानकारी मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपका मेरे चैनल के एक नए और फ्रेश वीडियो फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तेरी ही गलियों में आवारा शाम है। दोस्तों, अगर बात की जाए इसके डिस्प्ले की, तो इसका डिस्प्ले आपको 15 इंचेस का HD रेजोल्यूशन के साथ इसका डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आप इसकी पिक्चर क्वालिटी देख ही पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मतलब HD में भी काफ़ी अच्छा खासा इसका पिक्चर क्वालिटी है। और दोस्तों, बात की जाए इसके अगर वेब कैम की, तो इसमें आपको इंटेल का HD का वेब कैम मिलता है, जिस वीडियो मीटिंग वगैरह करते हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। और दोस्तों, बात की जाए अगर इसके पोर्ट्स की, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलता है चार्जिंग का पोर्ट, USB पोर्ट, VGA पोर्ट यहाँ पे आपको, और उसके अलावा मिलता है हेडफोन का भी यहाँ पे आपको पोर्ट दिया हुआ है। और दोस्तों, बात की जाए अगर दूसरे साइड की, तो दूसरे साइड में आपको यहाँ पे मिल जाता है एक लॉक का पोर्ट, और उसके अलावा मिल जाता है एक डीवीडी राइटर का एक और फ़ायदा है जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। और उसके अलावा भी यहाँ पे मिलता है आपको USB का पोर्ट, और उसके अलावा मिलता है एक कार्ड रीडर, और यहाँ पर मिलता है 2 छोटे छोटे LED इंडिकेटर्स। और दोस्तों, बात की जाए अगर इसके कीबोर्ड की, तो इसका कीबोर्ड आपको एक फुल साइज का कीबोर्ड देखने को मिलता है। इस टाइम के जो लैपटॉप्स आते हैं उसमें काफ़ी सारे में फुल कीबोर्ड नहीं होते हैं, लेकिन इसमें है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों, बात की जाए अगर इसकी क्वालिटी की, तो इसका जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जब टाइपिंग करते हैं जो एक टिक टिक की आवाज़ आती है, तो ये काफ़ी मज़ेदार आवाज़ है और आपको भी काफ़ी मज़ा आएगा। और अगर दोस्तों बात की जाए इसके टच पैड की, तो कुछ इस तरीके से इसका आपको टच पैड देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको यहाँ पे लेफ्ट राइट दोनों ही बटन यहाँ पे इंडिकेट किए गए हैं, जिससे कि आपका एक्सपीरियंस जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और दोस्तों, मैंने इसके ऊपर से ये चिपकाया हुआ है एक टेप, जिससे कि इस टच पैड के ऊपर कोई स्क्रैच ना पड़े और ये काफ़ी अच्छे लंबे समय तक काम कर सके। और दोस्तों, ये जो बटन आप देख पा रहे हैं इसका ऑन ऑफ बटन, और इसके ऊपर ठीक दिया हुआ है वॉल्यूम का ग्रिल। और दोस्तों, इसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, आप खुद ही सुन लीजिए। और दोस्तों, अगर बात की जाए इसके प्रोसेसर पावर की, तो इसमें आपको इंटेल का i3 7th जनरेशन आपको इस पर प्रोसेसर देखने को मिलता है, और उसी के साथ यहाँ पे आपको वो 2 GB की ग्राफिक्स कार्ड भी मिलता है, और उसके अलावा यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। और दोस्तों, बात की जाए अगर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको Windows 10 प्री इंस्टॉल मिलती है, वो भी लाइफ टाइम के लिए, तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों, अगर बात करें इसकी रैम और स्टोरेज की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको DDR4 की 4 GB की यहाँ पे रैम मिल जाती है, और उसी के साथ आपको 1 TB की हार्ड डिस्क मिल जाती है, यानी कि स्टोरेज की आपकी कोई भी कमी नहीं होने वाली है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसके रैम को भी अपग्रेड कर सकते हैं, यहाँ पर आप 8 GB 16 GB यहाँ तक कि 32 GB तक का रैम यहाँ पर अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक प्रॉब्लम वाली बात यह है इस लैपटॉप में कि इस लैपटॉप में आपको एक ही रैम का स्लॉट मिलता है, जिससे कि अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो जो पुराना वाला रैम आपके लैपटॉप में है उस रैम को आपको निकाल के अलग करना पड़ेगा, उसके जगह पे आपको 8 GB या फिर 16 GB का रैम जितना चाहे आप उसको लगाना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि इस लैपटॉप में आपको देखने को मिल सकती है, बाकी सब आप पूरी ही वीडियो देख चुके हैं। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि DVD राइडर का एक और फायदा है जो कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो दोस्तों यहाँ पे DVD राइडर का फायदा आपको इस लैपटॉप में ये देखने को मिलेगा कि अगर आप चाहें कभी इन फ्यूचर अपने लैपटॉप में SSD इंसर्ट लगाना
तो आप उसी डीवीडी राइडर के जगह पे आप 256 GB तक का एसएसडी लगा सकते हैं। ये एक बहुत ही कमाल की बात है, जिससे कि आपके लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस होगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे 1 TB के हार्ड डिस्क से स्टोरेज की कोई कमी नहीं है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा आपका लैपटॉप और ज़्यादा फास्ट हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पर 256 GB का एसएसडी लगा सकते हैं। तो इस बात का फ़ायदा भी आप ज़रूर उठाइएगा। दोस्तों अगर बात करें इस लैपटॉप की बैटरी बैकअप की, तो दोस्तों कंपनी क्लेम करती है कि इसका जो बैटरी बैकअप है वो आपको करीब 6 से 7 घंटे तक का बैटरी बैकअप इस लैपटॉप में देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि अगर कंपनी अगर 7 घंटे बोल रही है, तो आप लगभग पकड़ लो 6.5 घंटे या फिर 6 घंटे का आपको बैटरी बैकअप तो पक्का मिलने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इसकी जो पूरी डिटेल्स थी मैंने आपको दे दी है, इस लैपटॉप की जो जो पता था मुझे मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस लैपटॉप को परचेस करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके इसे खरीद सकते हैं।